से नए नए पन्ने भरते वो बातें। भाई अबे इधर आजा, काडू काडू इधर आ। कालू काडू कैसा है? सो अभी हम उस लोकेशन से थोड़ा सा आगे आए थे एंड हमें मिला ये प्यारा सा भुगियाल यहाँ पे। तो यार वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो एक फ्रेश नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी आप देख सकते हो कि हम जा रहे हैं किसी बढ़िया सी लोकेशन पे। तो इस लोकेशन का जो रास्ता है वो काफ़ी मज़ेदार है, खूब जंगलों के बीच जाके। तो अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम आए थे जॉर्ज एवरेस्ट। तो जब आप जॉर्ज एवरेस्ट से सीधा सीधा आओगे ना, तो यहाँ पे आगे जाके एक लोकेशन आती है, बहुत प्यारा व्यू पॉइंट है। अगर आप सनसेट देखना चाहते हो या सनराइज़, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा पॉइंट मिलने वाला है ये। बाकी अभी आगे चल के आपको रास्ता भी समझा दूंगा अच्छे से, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे ही आप आगे आओगे ना, यहाँ से जाते हैं दो रास्ते, एक जाता है ऊपर भद्राज और एक जाता है नीचे। तो हमको नीचे वाले रास्ते पे जाना है। वैसे तो मैं यहाँ पहले भी आया था, बट उस टाइम पे यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई थी। बट अभी जो मैं आपको नज़ारे दिखाने वाला हूँ ना, वो बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं। तो यार फाइनली वी आर एट दी लोकेशन एंड ये देख सकते हो आप। अभी आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ आ चुके हैं। ओ भाई ब्लैक शीप, बाबा बाबा ब्लैक शीप, वाओ। ये जरा नज़ारे चेक करें, यहाँ पे तो है भाई मैगी पॉइंट। और अभी ना बहुत सारा क्लाउड सा हो रहा है एंड व्यू पॉइंट थोड़ा सा साइड है। बाकी अभी चलते हैं, गाड़ी लेके ही चलते हैं। अबे हम आए नहीं थे क्या? हाँ हम सब आए थे, याद आ गया। हाँ तो यार ये जो लोकेशन है ना, ये बहुत कम लोगों को पता है अभी। एंड ये बहुत सुंदर लोकेशन है। अगर आप यहाँ पे सनसेट वगैरह देखने आओगे ना, डेफिनेटली बहुत प्यारा व्यू मिलने वाला है आपको, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे जो आपको व्यू मिलेगा ना, वो बहुत अल्टीमेट है। एंड भाई लोग कर रहे हैं यहाँ पे कैंपिंग, सो डेफिनेटली देखते हैं अभी। कैंपिंग करी थी क्या भैया? बारिश तो नहीं हुई? ये टेंट लेके आए थे आप अपने आप? यार टेंट तो बढ़िया लग रहा है आप। तो भाई लोगों ने करी है यहाँ पे कैंपिंग है। जरा नज़ारे देखो, वाह। कहाँ से हो भैया आप लोग? अरे देहरादून से ही हो? अच्छा यार भैया टेंट तो मस्त लग रहा, कहाँ से लिया ये? किराए पे लिया ये? अरे वाह। तो यार हम अपनी लोकेशन पे तो पहुँच गए थे, पर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि मिनटों में, मतलब अभी क्या बोलूँ, जज्बात पलट गए एकदम सारे। क्योंकि अभी यहाँ पे ना बिल्कुल भी फॉग नहीं था, पर जैसे ही हम यहाँ पहुँचे एकदम से फॉग वगैरह सब आने लगा। सो यहाँ पे देख सकते हो आप क्लाउड्स कैसे आ रहे हैं, लिटरली बहुत ही तेज स्पीड से आ रहे हैं। बाकी अभी धीरे धीरे ना ये सारा ढक जाएगा एंड यहाँ से ना बहुत अल्टीमेट व्यू आता है। मैं अभी बता नहीं सकता हूँ आपको, यहाँ से आपको ऐसे ऐसे पहाड़ दिखेंगे जो शायद आपको मसूरी से भी ना दिखे। बाकी बहुत ही प्यारी लोकेशन है ये एंड काफ़ी लोगों को पता नहीं है एंड यहाँ कुछ कुछ लोग कैंपिंग करने भी आए हुए हैं। तो बाकी ये है कि देखो भुगियाल टाइप है एंड आप आ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लोकेशन है। आगे मैगी पॉइंट है, वहाँ भी बहुत अल्टीमेट व्यू आता है। एंड बेसिकली मैं ये जो लोकेशन है आपको दिखाने जाता था ताकि आप व्यू इन्जॉय कर सको और यहाँ आ सको, बट अभी हमें व्यू नहीं मिला, अब बिल्कुल पोपट हो चुका है। तो यहाँ पे अपना थोड़ा सा कट चुका है क्योंकि बहुत सारे क्लाउड्स आ चुके हैं, तो इस वजह से अच्छी वीडियो नहीं बन पाई। बट यार ये लोकेशन बहुत अल्टीमेट है। अगर आप देखोगे अभी भी, मतलब ऐसे बादल से चल रहे हैं, ऐसे बादल बोलो, फॉग बोलो, जो मर्जी बोलो, भाई बहुत प्यारी लोकेशन है ये। एंड यहाँ पे आना हो ना आपको, तो मैंने रास्ता समझा दिया अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखी होगी। बाकी अभी चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। कभी यहाँ पे आएंगे हम कैंपिंग करने और फुल नाइट कैंपिंग करने वाले हैं, मस्ती आने वाली है।
तो अगर आप चाहते हो मैं यहाँ पे कैंपिंग करूँ तो कमेंट भी कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे कैंपिंग भी करेंगे। मेरे रस्तों पे नंगे पांव रे चल। सो अभी हम उस लोकेशन से थोड़ा सा आगे आए थे एंड हमें मिला ये प्यारा सा भुगियाल यहाँ पे। मतलब यार देखो कितनी बढ़िया लोकेशन है यहाँ कैंपिंग की, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि ये ना बहुत छोटी सी है और यहाँ लोगों ने काफ़ी जगह पे कैंपिंग भी करी है। बाकी यहाँ पे ना और आगे जाके भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर चाहो, और यहाँ से व्यू ना भाई बहुत अल्टीमेट आता है। अभी मौसम ऐसा है ना, मॉनसून बादल वगैरह चलते हैं तो अभी नहीं आ रहा है। So, यहाँ पे दिखाते हैं आपको हम मिलवाते एक नए। वो भाई कहाँ जा रहा है? वो भाई कहाँ जा रहा भाई? अबे इधर आजा काडू, काडू इधर आ, काडू काडू कैसा है? So, इससे मिलो। ये है काडू, क्या हाल है काडू? वो भाई ये इतना गर्म है ना आपको बता नहीं सकता हूँ, इसके यहाँ ऐसा हाथ लगा के बहुत गर्म फील हो रहा है। आ, देखो यार कितना प्यारा लग रहा है ये काडू। तो यार ये देख सकते हो यहाँ पे भी अब बहुत ज़्यादा मतलब फॉग सा हो रहा है, और अभी निकलते हैं यहाँ से क्योंकि जो व्यू हम आपको दिखाना चाहते थे ना वो हम दिखा नहीं पाए। बट डेफिनेटली एक दिन ज़रूर आऊँगा दोबारा जब यहाँ पे मानसून ख़त्म हो जाएगा, ताकि इससे प्यारा व्यू मिल पाए। देखो ऐसा व्यू तो आपको नॉर्मली मिल ही जाएगा, बट जब यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते ना तो बहुत प्यारे नज़ारे होते हैं यहाँ के, क्योंकि यहाँ के जो माउंटेन्स दिखते हैं ना वो अलग ही रेंज दिखती है, एंड काफ़ी मज़ा आता है। बाकी अभी चलते हैं यहाँ से एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।